हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और एक्सेल में क्या खास है आइए दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये शीट टैब है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम जानते हैं शीट टैब के नाम से। और हम आज के इस वीडियो में एक नया फॉर्मूला, खुद का फॉर्मूला डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे आइए दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले शीट टैब में चले जाइएगा और ये जो दिख रहा है व्यू कोड यहां पर आ जाइएगा। जैसे ही व्यू कोड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट का बटन, ये इंसर्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा आई होप। और यहाँ से मॉड्यूल पे आ जाइएगा, जैसे मॉड्यूल पे आएंगे तो अब यहाँ से काम आपका शुरू होता है। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फंक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हमने, तो ये फंक्शन किस तरह का होगा, सपोज कीजिए कि फंक्शन तो बना रहे हैं लेकिन ये फंक्शन क्या काम करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, ये भी तो देखना होगा। तो फंक्शन जो है हमारा होगा, उसका नाम होगा सन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सन नाम से फंक्शन बना दिया, अब ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा फंक्शन मत बनाइएगा जो पहले से बना हो, ठीक है। अब यहाँ पे सन किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा, जैसे मान लीजिए ये किसी का डेट ऑफ बर्थ बताएगा, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब ये जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन जो है डेट ऑफ बर्थ परफॉर्म करेगा, ऐसे ही ये जो है डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हुई है इसी को रिटर्न करेगा। तो अभी इसको हम क्लोज करते हैं, ये टैब मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो इज इक्वल टू एस प्रेस किया तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने सन नाम से बनाया था, तो यहाँ पे सन, अब देखिए नीचे आपको सन नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये सन जो है नीचे नजर आएगा आपको। और सन फंक्शन जैसे ही आप लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 29 अगस्त 1990 आएगा, देख रहे हैं। अब मान लीजिए आप ये नहीं चाहते कि ये कॉलन आए, तो कॉलन की जगह क्या दूसरा कुछ यूज किया जा सकता है, ये भी एक सवाल है। तो आइए देखते हैं दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहां से चलेंगे और यहां से इसको क्या करेंगे, डैश कर देंगे, डैश कर दिया। और डैश करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको भी डैश कर देना है, इस तरीके से डैश कर दीजिए। और डैश करने के बाद अब देखते हैं अब ये क्या काम करता है। तो एस यू एन सन नाम से तो बना ही बना है, यहाँ पे नीचे आपको दिख भी रहा है, तो ये हो गया। अब इसको बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए ये डैश वाला डेट हमें निकाल करके दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना चाहे तो खुद का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सन नाम का फॉर्मूला बनाया, इसी तरीके से आप डबल ट्रिपल इस तरह से कोई भी फॉर्मूला जो ना दिया गया हो एक्सेल में वो डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।